लक्ष्मी मेरी घर की देवी है सर, मेरी बेटी कैंप से आएगी तो वो लक्ष्मी के बारे में ही पूछेगी, किसी भी हालत में उसे ढूंढ दीजिए सर। तो विजय सेतुपति का भी एक मूवी आया महाराजा, जिसका नाम एकदम सिंपल महाराजा रखा गया है, लेकिन इसके जो कहानी है, इसका जो स्क्रीन प्ले, इतना तारीफ हो रहा है उसका ना, कि ऐसे मूवीज़ जो है बहुत कम ही बनती है करके। तो ये तमिल इंडस्ट्री से आने वाला मूवी है जिसको जो है पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया, लेकिन हिंदी ऑडियंस तक बहुत लेट से पहुँचाई मूवी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जहाँ विजय सेतुपति का जो कंटेंट जो हमेशा वो उसके लिए जाने जाते हैं, और उनका एक्टिंग तो जो है ज़बरदस्त होता ही है। तो जहाँ पे ये मूवी आपको केवल एक सिंपल सा कहानी दिखाती है कि यूज़ मी नाम का एक उनके पास जो है लक्ष्मी नाम का एक जो है कचड़े का डिब्बा होता है, वो खो जाता है समझ लीजिए, उसको ढूंढते हैं विजय सेतुपति, और जो है पुलिस कंप्लेंट करते हैं, 7 लाख देने के लिए भी तैयार रहते हैं। सोचिए किस लेवल का सस्पेंस थ्रिलर हो गया मूवी, तो क्राइम सस्पेंस थ्रिलर इसको आप एक तरह से कह सकते हैं। तो इस मूवी में जो विजय सेतुपति का जो परफॉर्मेंस है, जो उनका रोल है ना एक पिता के रोल के रूप में, एक नंबर, मतलब उस लेवल को आप देखेंगे ना भाई, सच में आप उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते, जितना सिंपल और जितना साइलेंट वो जो कैरेक्टर है ना, वो सच में जो एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है, कि आम आदमी जो होता है ना, मिडिल क्लास आदमी, वो बिल्कुल उसी लेवल का होता है, उसको बिल्कुल विजय सेतुपति ने एकदम 100% जो है सही तरीके से दिखाया है, और उस रोल को एकदम अच्छे तरीके से निभाया है। वही बात अगर करें हम डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर ने बिल्कुल अच्छे तरीके से स्क्रीन पे को लिखा, जहाँ फिल्म जो है आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप पहली बार देखना शुरू करते हैं फिल्म ना, आपको एक सिंपल सा लॉजिक जो है लगता है कि क्या हो रहा है मूवी में करके, सिंपल चलता है, लेकिन ये टाइम में आगे पीछे होता रहता है, आपको बाद में समझ में आता है कि ये फ्यूचर में चल रहा था या पास्ट में चल रहा था या प्रेजेंट, मतलब शिफ्ट होता रहता है कहानी। आपको जब देखेंगे मूवी तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से स्क्रीन प्ले के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया है। डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे जो है स्क्रीन प्ले को जो है एकदम जो है ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ रखा हुआ है, जहाँ पे आपको बाद में पता चलता है कि अरे अभी देख रहे तो पास्ट था, अभी देख रहे तो प्रेजेंट था, अब फ्यूचर, मतलब अचानक से जो है आगे पीछे हो जाता है स्क्रीन प्ले, आपको समझ में आएगा जब आप अच्छे से मूवी को देखेंगे। बहुत सारे लोगों को तो कई सारे सीन्स समझ में भी नहीं आ रहे, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको अच्छा खासा लॉजिक चाहिए, दिमाग चाहिए, बाकी सिंपल बहुत अच्छी है फिल्म, एकदम सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट इसका जो पॉइंट है वो है इमोशनल जो कनेक्शन बन पाता है इस फिल्म से ना, अगर आप सच में इमोशनल व्यक्ति हो तो आप आखिर में फिल्म के ना रो दोगे बिल्कुल, आपके आंसू नहीं आएंगे ना, तो फिर आप में कोई फीलिंग्स नहीं है भाई, सीधी बात है, अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आते आखिर में, तो आप में कोई फीलिंग्स नहीं है, सीधा बात है ये, आप एक तरह से पत्थर है अपने आप को ये मान सकते हैं, क्योंकि ये मूवी का स्क्रीन प्ले इसी टाइप से लिखा गया है। ये डायरेक्टर साहब जो एंडिंग में हमें इस प्रकार के ट्विस्ट दिखाते हैं, जो कि प्रेडिक्टेबल था एक तरह से, अगर आप मूवी देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंडिंग कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे सरप्राइज होंगे और आप इमोशनल होंगे भी साथ में। जहाँ मूवी विजय सेतुपति के सिंपलिसिटी कैरेक्टर को दिखाता है कि कैसे मिडिल क्लास आदमी अपने परिवार को पालने के लिए किस प्रकार से जो है मेहनत करता है, वहीं बाप बेटे के जो रिश्ते हैं उसको एक नंबर तरीके से दिखाया गया मूवी में, कि किस प्रकार से इमोशंस का जो इसमें खेल होता है, कैसे अपने बेटी पे उनके पिताजी को इतना भरोसा होता है कि उनकी बेटी से कभी गलती नहीं होती, और इसीलिए अपने प्रिंसिपल उनके प्रिंसिपल से वो लड़ झगड़ जाते हैं कि उनकी बेटी की गलती नहीं थी तो उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए, मतलब इस लेवल का जो इमोशनल जो है थ्रिलर आपको देखने को मिलता है, ऐसा आपको ये मूवी जो है एक तरह से फीलिंग देती है, एक तरह से आपको इस प्रकार के मोमेंट दिखाते हैं कि आप इससे कनेक्ट हो पाते हैं। ये मूवी को बिल्कुल थिएटर में देखना चाहिए था, लेकिन वही बात है हमने मिस कर दिया, क्योंकि बहुत लेट से मूवी आई, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। बाकी विजय सेतुपति ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि ही इज़ मास्टर और हिज क्लास, तो इस प्रकार से आप इस मूवी को अवश्य देखिएगा, हम तो बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक जो है जो पिता है ना, कोई भी जिनके उम्र हो चुके, जिनके शादी हो चुके, तो एक जो पिताजी हैं उनको तो ये मूवी अवश्य देखना चाहिए था, क्योंकि जो है समझ जो घटियापन चल रहा है ना उनके लिए बहुत बड़ी सीख है, कि देखो भाई ये मूवी बहुत बड़ा मैसेज देती है, जिसको मैं यहाँ पर रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन ना ये बहुत बड़ी शिक्षा देती है आपको कि समाज में आपको सभी व्यक्तियों को, सभी जो लड़की हैं बालिकाएँ हैं उनको किस नज़र से देखना चाहिए, उनका किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, यह मूवी आपको बिल्कुल सिखाती है, और आखिर में आप जो है इमोशन हो ही जाओगे, इमोशनल हो ही जाओगे इस मूवी को देख के, बाकी आप में भावना होगा तो आप बिल्कुल इस मूवी से संदेश लेंगे, इस मूवी से आप समझेंगे किस प्रकार से सभी का सम्मान करना चाहिए। बाकी मूवी के बारे में यही है, आप अवश्य देखिए एक बार जाके, महाराजा मूवी का नाम है। बाकी अभी के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।